असल फाइव क्लास हो आर यू होप यू आर फाइन एंड सेफ एट होम टूडे यू विल स्टार्ट आर नेक्स्ट सिलेबस अव टॉपिक इज़ सिंपल प्रेजेंटेंस एंड वर्क बुक पेज नंबर फोर्टी थ्री एंड फोर्टी फोर डेयर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब आवर चैनल द रेरकम स्कूल पर स्टूल एंड प्रेस द बेल आइकन आफ्टर दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज ओके स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट आर वर्क सिम्पल प्रेजेंटेंस थ्री टेंस होते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पास्ट माजी प्रेजेंट हाल और फ्यूचर मुस्तबिल तो पास्ट के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट के बारे में सिंपल प्रेजेंट के बारे में और उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल प्रेजेंट आंसर ओके ओके स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट फेल हाल सिंपल प्रेजेंट शोज और रूटीन और एक्शन वीडू इन प्रेजेंट जो हम प्रेजेंट में काम करते हैं जो हमारा एक्शन होता है वो हमारा क्या होता है सिंपल प्रेजेंट होता है अहमद क्रिकेट खेलता है वो कपड़े धोती है अली काम करता है अली स्कूल जाता है और उर्दू में जब सेंटेंसेस हम देखते हैं तो उसके एंड पे ता है ती है ते है वगैरह आता हो ये जो ता है ती है ये आते हैं तो हमें इनसे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और ये शो करते हैं हमारे रूटीन वर्क को हमारी हैबिट को और फैक्ट्स को जैसे अली स्कूल जाता है ये उसकी रूटीन है डेली जाता है वो तुम पौधे लगाते हो ये तुम्हारी हैबिट है ठीक है फैक्ट है जमीन सूरज के गीत घूमती है तो इन सब के एंड पे देखो ता है ते है ती है वगैरह तो ये फैक्ट्स को रूटीन को और हैबिट को शो करता है तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है ठीक है अब वर्ब की कुछ में एस यू ई एस एड करते हैं हम फर्स्ट फॉर्म के साथ वो हम किन के साथ यूज़ करते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे ये देखिए हम आई वी दे यू और प्लूरल नाउन ये सब जब इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे है हम वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे आई गो टू स्कूल गो फर्स्ट फॉर्म है ना तो हमने जैसे थी उसको वैसे ही यूज़ किया आई गो टू स्कूल ठीक है और वी के साथ आएगा तो वी प्ले क्रिकेट प्ले जिस तरह फर्स्ट फॉर्म में वैसे यूज हुई है दे वॉच टी मूवी तो वॉच भी हमने जैसी फॉर्म है वैसे ही यूज़ की आई वी दे यू और प्लूरल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके बाद जब ही शी इट और सिंगुलर नाउन आएगा या सिंगुलर कोई किसी का नाम आ जाएगा एक सिंगल पर्सन का या किसी सिंगल चीज का तब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और एड करेंगे जैसे ही शी ईट है ना शी गोज यहाँ पे देखा ना आई के साथ गो आया था तो जब शी ही शी ईट के साथ हमने बताया एस यहाँ ई एस एड करना है yes, तो शी गोज टू स्कूल ही प्लेज क्रिकेट इट अ लॉट ठीक है इनमें देखें शी के साथ भी जब गो आया है तो उसके बाद ई एस एड हुआ है ही के साथ प्ले आया है तो प्ले के साथ एस एड हुआ है उसके बाद इट है तो रेन के साथ रेन्स तो ये इनके साथ जब ही शी इट होंगे और सिंगुलर नाउन कोई भी सिंगुलर होगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जरूर ऐड होगा ठीक है आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ पे हमने एस ऐड करना है ई एस ऐड करना है और कहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है उसके बाद हमें ये इसमें कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे एस ई एस कहाँ पर एस ऐड करें और कहाँ पे ई एस ऐड करें तो ये देखें अब है वर्ब वो वर्ब जिनके एंड पे डबल एस ओ एक्स सी एच या एस एच आए तो इनके सामने हमने ई एस ऐड करना है जैसे कि देखिए पी आर ई डबल एस प्रेस डबल एस है ना तो प्रेसिज गो गोज ओ एड ओ एंड पे है ना गोज़ वॉच सी एच एंड पे है तो वॉचिज फिनिश एस एच है तो फिनिशेज एक्स है तो एम आई एक्स सी एस मिक्सिस ठीक है तो अब इनके अलावा जो बाकी होंगे उनके एंड पे हम क्या यूज़ करेंगे एस ऐड करेंगे जैसे ईट है टी तो नहीं है ना यहाँ पे कहीं पे भी मैंने बताया तो टी है बाकी कॉन्सोनेंट के साथ हम सब सबके साथ एस ऐड करेंगे ईट्स ड्रिंक ड्रिंक्स ड्रिंक, फॉल फॉल्स जम्प जम्स ठीक है और एक जो स्पेशली ये कॉन्सोनेंट वाई है जो तो वाई को जब जब वाई वाला कोई वर्ड आता है तो वाई का हम क्या करते हैं वाई को कट करके तो उसकी जगह आई और ई एस वाई की जगह आई ऐड करते हैं और उसके आगे ई एस जैसे कैरी है कैरी का वाई कट करेंगे तो वाई की जगह आई आ जाएगा और उसके बाद आई ई एस तो ये आई वाले वाई वाले जो जो भी वर्ड आएंगे ना वो ऐसे ही ऐड होगा ठीक है इसी तरह जब नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के साथ डू नॉट फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है तो आई इसी तरह जैसे हमने एस एस की बात थी तो इसी तरह आप है कि डू और डज दो वर्ड हैं डू और डज अब डू कहाँ पे यूज होना है और डज कहाँ पे यूज होना है आई वी दे यू और प्लूरल जो होंगे ज्यादा होंगे उनके साथ हमने डू यूज़ करना है और ही शी इट और सिंगुलर जो है उनके साथ डज यूज़ करना है ठीक है तो ये कैसे सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू नाट आई वी दे और यू वाले प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ही शी इट वाले ही शी इट यह सिंगुलर कोई भी वर्ड जो भी है स्टार्ट में सब्जेक्ट ये वाला कोई भी आ जाए उसके बाद डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वी डू नॉट गो टू स्कूल ही डज नॉट प्ले क्रिकेट शी डज नॉट गो टू स्कूल उसके बाद है इंटरोगेटिव फॉर्मेशन क्या है जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डू और डज तो डू do, डज क्या होते थे ये स्टार्ट में आ जाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो वही बात हो जाएगी जैसे आई वी दे यू प्लोरल के साथ डू डू स्टार्ट में आ जाएगा और ही शी इट सिंगुलर के साथ डस डस स्टार्ट में आ जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट और एंड पे क्वेश्चन मार्क डज ही प्ले क्रिकेट एंड पे क्वेश्चन मार्क आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल की समझ आ गई होगी कि कहाँ पे हमने डू यूज करना है और कहाँ पे डज यूज करना है नाउ ओपन योर वर्क बुक पेज नंबर फोर्टी थ्री सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट शोज और रूटीन और एक्शन वी डू इन प्रेजेंट जैसे कि मैंने आपको बताया आई गो टू स्कूल डेली आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ और इसकी फॉर्मेशन क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस विद ही शीट इन सिंगुलर शी गोज टू स्कूल ही प्लेज क्रिकेट ठीक है अब ये है हेयर इज अ लिस्ट ऑफ डेली ड्यूटीज इन अली फैमिली फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स बिलो चेंज दीज वर्ड्स टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस ये एक क्लास है इसमें वर्ड्स ये हैं और नीचे फिरेंगे ब्लैंक्स इनको सॉल्व करना है और इनको हमने टेंस के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे जैसे मिस्टर अली गोस्ट ट्रू मार्केट अर्ली इन द मॉर्निंग ही बाइज वेजिटेबल एंड मीट फॉर द डे मिसज अली कुक्स आल द मील हिरा एंड फ़हद हेल्प मिसिज अली टू वॉश द प्लेट्स फहद टेक्स द डॉग फॉर वॉक Hira makes the bed and dusts all the furniture with the cloth. Mrs. Ali washes the clothes and hangs them out to dry. Hira and Mrs. Ali iron the cloths every evening and put them away in a cupboard. After breakfast, Mr. Ali drops the children at, at school and Mrs. Ali brings them back in the evening. If anything breaks, फाहद एंड मिसिस अली मैंड इट ईजीली ओके आज का काम हमारा इतना ही था तो आई होप आपको समझ आ गई होगी सिंपल प्रजेंटेंस की तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में सेंटेंस भी करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेजेस भी सॉल्व करेंगे ओके थैंक यू हैव अ